हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इंडिया फाइनली पाकिस्तान से मैच जीत चुके हैं, एंड इसी खुशी में, स्पेशल ओकेजन में आज हम लोग करने वाले हैं नाइट व्लॉग। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बजने जा रहे हैं, एज यू कैन सी इन द वॉच। और अभी मैं अपने रूम से बाहर निकल रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, एज यू कैन सी ये अपना घर है। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है, बट मज़ा इतना ज़्यादा आने वाला है। सो गाइस, गुड़गांव के लिए अगर आप आना चाहते हो एंड आपकी जो नाइट लाइफ है गुड़गांव में वो कैसे होने वाली है वो अब आप देखने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन फुल मजे में ना, चलते हैं गाइज। अब सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन द मोस्ट हैपनिंग सिटी ऑफ गुड़गांव, दैट इज सेक्टर 29। अगर मैं आप लोग को अभी देखिए, मैं मेरे पीछे सबवे है, सेक्टर 29 में ही खड़ा था मैं। और अगर आपको यहाँ पे एरिया दिखाऊँ मैं, ऐसा लग रहा है पूरा रोड जाम हो गया है, दूर दूर तक सारी गाड़ियाँ एंड एवरीथिंग। बिकॉज आज इंडिया ने मैच भी जीता है, साथ ही साथ आप देखो एक बार क्या तो माहौल है यहाँ पे। हाँ ठीक, मतलब फुल माहौल तो आज एकदम सेट है। एंड अभी आज इसलिए मैं बाहर आया था क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया ने मैच भी जीता पाकिस्तान के साथ, बहुत मजा आया। और अभी बज रहे हैं 2:30, 2:30 टाइम हो रहा है। सो आई थॉट कि बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूमते हैं आज। एंड अगर आपको दिखाऊं मैं, अपन अपनी बीच में आए थे, देख सकते हो आप बीच में आए थे। तो गाइस सीन ये है कि यहाँ पे जितना भी आप आजू बाजू देखोगे सारे बार्स ही हैं, बार्स पब्स हो गए, ये सारे हैं, बहुत मजा आती है यहाँ पे। तो अभी एक और बार मैं आप लोग को ये एरिया दिखाता हूँ। देखिए गाइस, क्या हैपनिंग सिटी है राइट नाउ, इट्स लाइक द अल्टीमेट प्लेस। मतलब सीन ये है ना कि रात के 3 बजे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर आ गए हो, या इट्स नॉट सेफ, इट्स वेरी मच सेफ। हर जगह पुलिस वाले भी खड़े हैं, एवरीथिंग इज फाइन। सो लेट्स एंजॉय दिस प्लेस अ लिटिल बिट। कहीं पब वब में तो जा नहीं रहा मैं, बट स्टिल प्लेस को एंजॉय कर ही सकते हैं, बहुत मज़ा आ रही है। एंड यहाँ का जो वाइब है वो कहीं और आपको मिल नहीं सकता। तो सेक्टर 29 वाइब जो मिलती है ना यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त है। गाइज लेट्स एंजॉय अ लिटिल बिट और फिर आप चलते हैं यहाँ से। तो गाइज अभी रात के 3 बज रहे हैं, एंड एज यू गाइज कैन सी, जो मैंने व्लॉग में दिखाया, सेक्टर 29 वॉज बस्टलिंग विद जॉय। सब लोग मतलब हल्ला गुल्ला, डांस नाच गाना सभी कुछ चल रहा था वहाँ पे। सो इट्स नॉट लाइक कि गुड़गांव सेफ नहीं, गुड़गांव इज एक्सट्रीमली सेफ इवन फॉर गर्ल्स। अगर आप देख रहे हो जॉब के लिए, जो जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे, सो इट्स एक्सट्रीमली सेफ फॉर इवन गर्ल्स। रात को भी अगर आप बाहर घूम रहे हो देन एज सच कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। यू गाइज जस्ट सॉ कि अभी रात के 3 बजे, लाइक आई वॉज रोमिंग एवरीवेयर एंड कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। अभी पहले मैं 24/7 में गया, देन आई वेंट टू सेक्टर 29। बहुत मज़ा आया गाइज, लिटरली स्पीकिंग। अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड आई एम लाइक सिटिंग इन दिस ब्यूटिफुल पार्क ओवर हेयर। तो ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अगर लोकेशन वाइज बोलोगे कंपेयर टू बैंगलोर, पूना, हैदराबाद, तो गुड़गांव इज़ द बेस्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिलती है, यू कैन डू एनी थिंग, फूड का कोई दिक्कत नहीं है। आप वही अगर आप चले जाओ बैंगलोर हैदराबाद में, तो वही साउथ इंडियन खाना, इडली डोसा सांभर, वो कोई खाना होता है वो तो, सॉरी गाइज स्पीकिंग लाइक दिस, बट यार वो खाना नहीं होता है। असली खाना होता है अपना पराठे और दाल चावल रोटी सब्जी छोले भटूरे, ये खाना होता है एटलीस्ट गाइज। तो वहाँ पे खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, वो सबसे बेटर है आप इंजॉय करो गुड़गांव में, फुल ऑन खींचा तानी करो मस्त। जो इन्जॉयमेंट आपको चाहिए वो इस सिटी से बेहतर आपको दूसरी किसी सिटी में नहीं मिलेगी गाइज, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। सो इफ यू गाइज आर लुकिंग टू शिफ्ट एंड मेक योर करियर, देन डेफिनेटली द ऑप्शन विच यू शुड कंसिडर इज गुड़गांव, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पर हैं, उनके ऑफिस हैं यहाँ पे, एंड जॉब्स की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है। सो यू कैन गेट अन एन नंबर ऑफ प्लेसेस टू स्टे ओवर हेयर। सो अगर आप 12th पास हो एंड ग्रेजुएट हो, फ्रेशर्स हो, हु आर लुकिंग फॉर मतलब शिफ्टिंग टू देयर प्रोफेशनल करियर, देन आई वुड सजेस्ट दैट लिटरली योर बेस्ट ऑप्शन इज गुड़गांव राइट नाउ। सो गाइज अभी थोड़ी देर में बैठता हूँ यहाँ पे, 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। सो बट यू गाइज हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्री की जतन, क्योंकि अभी डेली बेसिस पे अमेजिंग कंटेंट आने वाला है आप सभी लोगों के लिए।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट एंड हैप्पी डे, क्योंकि इंडिया भी आज पाकिस्तान से जीत चुकी है, तो सेलिब्रेशन टाइम तो बनता है गाइज हम सभी लोगों का. एंड जय हिंद, जय भारत.